सो फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट पे बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल के साथ साथ अ क्वाइट प्लेस फिल्म के स्पिन ऑफ के डिले की, जिसे पैरामाउंट वालों की तरफ से किया गया है, जिसके पीछे का रीजन तो कोविड ही है, क्योंकि इसके चलते अभी रिसेंटली जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू किया गया था उसे होल्ड पर डाल दिया गया है, अगेन सिचुएशन को ही देखते हुए, जिसमें पैरामाउंट वालों ने तो सीधे अपनी 3 फिल्मों की रिलीज डेट को ही डिले कर दिया है। बट डरने की बात नहीं, क्योंकि टॉप गन मैवरिक अब भी अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट पर कायम है, जो कि इस साल 27 मई की रिलीज पर है, जिसके बाद आ जाए अ क्वाइट प्लेस फिल्म के स्पिन ऑफ पर, तो इस फिल्म को न्यू रिलीज डेट 22 सितंबर ईयर 2023 की दी गई है, जबकि अगर देखा जाए तो इस फिल्म की पहले की रिलीज डेट इसी साल 31 मार्च की थी, जिसके बाद बढ़े मिशन इम्पॉसिबल 7 पर, तो इस फिल्म की पहले की रिलीज डेट इस साल 30 सितंबर की थी, जिसे हटाकर 14 जुलाई साल 2023 में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि एक अच्छा खासा डिले है। जिसके बाद बात करें मिशन इम्पॉसिबल 8 की, तो इस फिल्म की पहले की रिलीज 7 जुलाई 2023 की थी, जिसे अब शिफ्ट कर 28 जून साल 2024 कर दिया गया है, जिस बारे में आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।